थैंक यू सो मच पंकज सर, आपने मुझे इतना प्यारा सा चॉकलेट का ये दिया। और अगर किसी भी वैनिटी में ऐसे ये बल्ब वाला ये शीशा ना हो तो क्या ही मतलब, क्या बढ़िया फोटो आता है क्या भाई साहब। इतना क्लीन और इतना जबरदस्त बाथरूम जो है ना, वो आपको किसी के घर या होटल में नहीं मिलेगा। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आप मेरे आसपास देख पा रहे हो, मैं एक अलग सी जगह बैठा हूँ। कहाँ हूँ मैं इस टाइम पे? शाहिद कपूर के जो पापा है पंकज कपूर की वैनिटी में बैठा हूँ। आज मैं उनसे मिला और एक एक्टर सर से मिला, विनय सर से, बहुत मजा आया। तो बिना देरी करते हुए आपको मैं पंकज कपूर सर की वैनिटी का टूर करवा। प्रांजल भैया आप कहाँ आए हो? भैया मैं कहाँ आया ये तो आप बता दो। तो आपने मेरे व्लॉग में लास्ट 4-5 डेज में एक प्यारी सी बच्ची देखी कुहू, जिसके साथ बहुत सारी मस्ती, जो दिन भर मेरे साथ खेलती है कूदती है। तो कुहू की मम्मा को भी आपने देखा, कुहू को भी देखा। कुहू के फादर ये रहे। हेलो। लखनऊ एंटरप्राइजेस की ये रही वैनिटीज, तो वो पंकज सर की वैनिटी जिसका हमने पूरा टूर किया है, आगे आपको दिखाऊंगा मैं। भाई साहब गजब की वैनिटी है, अगर वैनिटी कभी मेरी हो तो ऐसी वाली हो बिल्कुल। ये है वैनिटी का सबसे आगे वाला हिस्सा जहाँ पे बेड है, मम्मा बैठी है यहाँ पे, सोफा, बहुत ही प्यारा इंटीरियर, रूफ लाइट लग रही है यहाँ पे गजब। और यहाँ पे ये मेकअप वाला एरिया है। हेलो। ये घर ज्यादा लग रहा है, वैनिटी कम लग रही है ना, वॉल भी अच्छी लग रही है। और यहाँ क्या है इस डोर के पीछे चेक किया जाए, ओ भाई सेक्सी वाला बाथरूम है, इतना साफ बाथरूम तो किसी घर में ना हो। भाई साहब इतना क्लीन और इतना जबरदस्त बाथरूम जो है ना, वो आपको किसी के घर या होटल में नहीं मिलेगा जितना इस वैनिटी में। टाइल लग रही है इसमें बोकाल, देख रहे हैं सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। व्हाट एल्स डू यू नीड है ना। और ये मेकअप रूम नंबर 2, यहाँ पे है फ्रिज, यहाँ पे क्या है, ओ एक और बाथरूम, नाइस छोटा सा फ्रिज, देखते हैं खाना और पानी रखा हुआ है बहुत सारा, माइक्रोवेव, क्या रखते हैं ये लोग अपनी वैनिटी में, खुलता है कोई सा, ओ भाई साहब सामान भर रहा है, नाइस। ये दूसरा सोफा, दूसरा ही, ये तो मेन चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे टीवी लग रहा है सैटेलाइट कॉम्बॉक्स के साथ, बोट का स्पीकर, एंड्रॉयड टीवी है, यहाँ बैठो और टीवी देखो, है ना सही सेटअप, नाइस। ये इसका सेकेंड लिविंग स्पेस है, यहाँ की जो फ्लोरिंग है वुडन फ्लोरिंग, और भाई साहब एसी, पानी, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी अगर आप यहाँ पे हो, सो यू विल नॉट मिस योर होम। इतना बढ़िया बना हुआ है, इतना बढ़िया सब कुछ, और ये वाला ये जो उन लोगों ने पीस लगा रखा है वो भी इतना गजब लग रहा है, रूफ लाइटिंग, एसी, पता ही नहीं लग रहा कि हम कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। और अगर किसी भी वैनिटी में ऐसे ये बल्ब वाला ये शीशा ना हो तो क्या ही मतलब, इतना बढ़िया फोटो आता है, क्या बढ़िया फील, बढ़िया चेयर बैठो, मतलब आपका भाई बैठ के आपको दिखाएगा, ये देगा लग रहा ना। और पंकज सर ने मुझे दिए ये फ्लावर्स, थैंक यू सो मच पंकज सर, फ्लावर्स मुझे देने के लिए, चॉकलेट एक्चुअली है। तो थैंक यू सो मच पंकज सर, आपने मुझे इतना प्यारा सा चॉकलेट का ये दिया। आपकी जो मूवी है उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर सकता, लेकिन थैंक यू सो मच, आप जैसा हम्बल और लविंग पर्सन, इट्स अ ड्रीम टू मीट समबडी लाइक यू, सो थैंक यू वेरी 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 मच। तो हमारे आज के मेन्यू में कुछ मीठा, दूधी, अरहर की दाल, चावल, पराठा / रोटी, खूब सारे टिश्यूज। प्रोडक्शन हाउस का खाना कैसा लग रहा है? खाना अच्छा है, पर ये वाली डिश कुछ नहीं है। ये वाली ना? आपको कैसा लगा सर खाना? अच्छा लगा। सरू जी कैसा लगा खाना? सबसे अच्छा लगा, एपिक वैनिटी में। मैं खा रहा हूँ दाल चावल।
सो आई होप गाइस कि आपने ये यूनिक और ये इंटरेस्टिंग और कुछ हट के ब्लॉग यहाँ तक देखा है और आपको ब्लॉग तो देख के आया मजा। अगर ऐसा हुआ है तो आपको करना है वीडियो को लाइक और अगर चैनल पे नए हो चैनल कर दो सब्सक्राइब। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।